तो हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल शेयर के बारे में। 300 रुपए में शेयर का प्राइस मिल रहा है, क्या शेयर को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है। तो कंपनी यहां पर एक लेवल में था, 300 तक ये शेयर एक लेवल में था। अगर 300 को क्रॉस करता है तो और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। महिंद्रा फाइनेंशियल शेयर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। 28 रुपए करके 2006 में लिस्टिंग हुआ था, ओवरऑल अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी का बैकग्राउंड चेक करेंगे। कंपनी हम लोग को देखिए बाय ज्यादा नजर आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर वाइज डाटा, रेवेन्यू ग्रोथ, नेटवर्क ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नजर आ रहा है, जो कि अच्छा बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर 52%, म्यूचुअल फंड 17%, डोमेस्टिक वाले 13%, फॉरन इन्वेस्टर 10%, रिटेल इन्वेस्टर 7% माल रखा है। कंपनी का फुल डिटेल देखोगे, BSE और NSE दोनों में लिस्टिंग है। 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पीटी के बुक वाले से ऊपर से मिला हाईली विकसित, डिविडेंड देता है, अरुण पॉजिटिव, फेस वैल्यू 2 का है। कर्जा 98,000 करोड़ का, रिजर्व रखा है, एसेट रखा है, वॉल्यूम ठीक ठाक, फ्री कैश ने रखा है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेट पॉजिटिव, 6 महीने में अच्छे रिटर्न दिया है, सेल ग्रोथ बढ़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, नेट प्रॉफिट पॉजिटिव। तो मिनिमम अमाउंट हम लोग डालकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे, ये शेयर हम लोग को अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कर देगा। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।